नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फूडी है मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके सामने बथुए के रायते की और आलू के पराठे की रेसिपी पेश करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने आलू उबाल के रख लिए हैं, बथुआ उबाल लिया है। ये मसाला है, इसमें हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च, नमक ये मैंने पीस लिया है सिलबट्टे में। हरा धनिया लिया है मैंने, 3-4 हरी मिर्च काट ली है बारीक, 2 प्याज छोटे काट लिए मैंने। रायते के लिए दही चला के रख लिए, आलू उबाल के रख लिए मैंने। अब आलूओं को मैं छील लेती हूँ। सभी आलूओं का छिलका मैं उतार लेती हूँ, आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। दोस्तों आलू मैंने सारे छील लिए, अब इन आलू का भरता तैयार कर लिया। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। दोस्तों आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, इसमें डालूंगी मसाले। ये मैंने हींग जीरे का मसाला घर पे ही बनाया है, इसमें हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च और नमक। इस मसाले को आप पराठे में, रायते में, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालूंगी मैं कटा हुआ बारीक प्याज, कटी हुई बारीक हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी भरते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें और मसाले हमें कोई नहीं डालने। दोस्तों ये मसाला इतना बढ़िया, इतना टेस्टी है, एक बार इस मसाले की रेसिपी बना के आप देखना, बहुत ही टेस्टी पराठे, कचौड़ी, रायता बहुत अच्छा बनता है। मैंने आलू में अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लिया, अब इसे रख देती हूँ मैं साइड पे और बथुए को पीस लेती हूँ रायते के लिए। बथुआ को मैं मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ और मिक्सी में इसे दरदराई पीसेंगे रायते के लिए, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। बथुआ हमारा पिस गया, ज़्यादा बारीक नहीं है, ऐसे दरदरा होना चाहिए था। अब इसे मैं दही में मिला लेती हूँ। दोस्तों अब मैं इसे अच्छी तरह से दही में मिक्स कर देती हूँ बथुए को। दोस्तों बथुए को मैंने अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लिया, अब इसमें वही मसाला मैं डालूंगी जो मैंने घर पे पीसा था, हींग जीरे वाला।
अब इसे भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी रायते में। अब इसमें लगाऊंगी मैं हींग जीरे का तड़का। गैस को चालू कर लेते हैं, इस पर रखूंगी चमचा और गैस को कम कर दूंगी। इसमें डालूंगी 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल तड़के के लिए। तेल ज़्यादा नहीं लेना, 2 चम्मच ही डालूंगी। दोस्तों तेल मेरा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं तेल का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी मैं 1/2 चम्मच के करीब जीरा। और 2 साबुत लाल मिर्च। इसमें लगा दूंगी तड़का। थोड़ी देर को ढक्कन को हम लगा के रखेंगे जिससे इसकी खुशबू रायते में अच्छी तरह से फैल जाए। रायते में मैंने तड़का लगा दिया, रायता भी बन के तैयार हो गया। रायते में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इंजीर की। दोस्तों इस तरह आप एक बार रायता बना के देखना, ये रायता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ, आटा गूंथ लेती हूँ पराठों के लिए और रायते को साइड में रख देती हूँ ढक के। दोस्तों आटा मैंने छान लिया है, अब इसमें थोड़ा सा नमक दे दूंगी। थोड़ा ही नमक देना जिससे आटा हमारा पराठे में फीका फीका सा खाने में ना लगे। आटे को ज़्यादा टाइट नहीं गूंदूंगी और ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम रखेंगे। ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना, ना ज़्यादा लूज। दोस्तों आटा मेरा गूंद के तैयार हो गया, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो, बिल्कुल टाइट नहीं है। ऐसा ही आटा हमें पराठों के लिए चाहिए। अब मैं पराठे सेकने की तैयारी करती हूँ। अब गैस को मैं चालू कर देती हूँ, इसके ऊपर रख देती हूँ तवा गर्म करने। तवे को साफ कपड़े से मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ। आटे की लोई मैंने इतनी बड़ी ली, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी साइज छोटा बड़ा कर सकती हैं। अब इसको पेड़े को मैं लोई में कर दूँगी। ये मैंने बना ली इसकी लोई। अब उंगलियों की सहायता से इसे कटोरी जैसा आकार देंगे। अभी हमारी कटोरी की तरह तैयार हो गया। इसमें रख दूँगी आलू का भरता। इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इसे आटे में लगा के लोई को थोड़ा बड़ा कर लेंगे उंगलियों की सहायता से। अब इसे हल्के हाथों से हम बेलन की सहायता से बेलेंगे।
आपके हाथों से दे देंगे इसे। इसी तरह से हमने एक पेड़ा और तोड़ लिया। अब इसमें मैं ऑयल लगा देती हूँ पराठे में। पटे का दूसरा पेड़ा तोड़ लेते हैं और इसकी भी लोई बना। इसे उंगलियों की सहायता से कटोरी की तरह भर लूंगी गहराई में और इसमें भरूंगी बस्ता। पराठा मेरा अच्छी तरह से सीख गया, इसे साइड में रख देती हूँ और पराठों को मैं तैयार कर लेती हूँ।